वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम का रिव्यू। मामा अर्थ की तीन फेस सीरम है, स्किन करेक्ट, स्किन प्लम एंड दिस इज स्किन इल्यूमिनेट। तो मैं ऑलरेडी दो फेस सीरम का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मैंने स्किन प्लम फेस सीरम का रिव्यू शेयर किया था तो आप लोगों में से बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी प्लीज इसका विटामिन सी फेस सीरम का रिव्यू भी शेयर करो। बट गाइज, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि फेस सीरम को जब तक आप एक से डेढ़ महीना नहीं यूज कर लेते हो आपकी स्किन पे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं पता चलता है कि वो रियली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट जो मेरा रिव्यू है गाइज, दिस इज ट्रूली ऑनेस्ट रिव्यू, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। मैंने अपने पैसों से ही प्रोडक्ट को मंगवाया है एंड यूज किया है अच्छे से, देन मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो यस, दिस इज नॉट अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, ऑलरेडी मार्केट में आए हुए इसको बहुत टाइम हो गया है। गाइज, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की एंड ऑल, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये रियली कैसा स्किन पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है। सो यस, लेट्स बिगिन। सो गाइज, आपको ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिलता है जैसा कि मामा अर्थ के अदर प्रोडक्ट्स आते हैं। दैट इज मामा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर रेडिएंट स्किन। ये पैराबिन फ्री एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। प्राइस इज 599 रुपीज। 2 ईयर्स की आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है एंड 30 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है। दिस इज क्रूडली फ्री प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको कैसे यूज करना है। ये मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, जिसकी एज 15 से ज्यादा है वो भी यूज कर सकता है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और बाकी यहाँ पे अच्छे से मेंशन है कि आपको कैसे यूज करना है, अपने फिंगर टिप पे लेना है और फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। ये क्लेम करता है कि जितना भी हाइपर पिगमेंटेशन है आपका उसको रिड्यूस करता है, स्किन में एक ब्राइटनेस लेके आता है, एक फर्म लुक देता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है यहाँ पे। सर, बस मेनली जो दो इंग्रेडिएंट है दैट इज विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग आपको इस तरह की एक बॉटल मिलती है इसकी, सी दिस पंप बॉटल है जो। तो गाइज, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो बहुत ही जेल टेक्सचर में है, सी दिस, बहुत ही जेल टेक्सचर में है, इजीली स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। ऑयली स्किन वाले इजीली यूज कर सकते हैं इसको, लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपापन और इस तरह से स्टिकनेस नहीं लगती है। 4 to 5 seconds लगेंगे और जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, सी दिस। सो गाइस, यस, इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज विटामिन सी एंड टर्मरिक। वी ऑल नो कि विटामिन सी जो होता है वह हमारी स्किन के जितने भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, स्कार्स की प्रॉब्लम होती है या अनइवन स्किन टोन होती है उसको रिमूव करता है। और जो टर्मरिक है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ आता है, जो कि हमारे जितने भी पोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पोर्स के अंदर जो सीबम होता है या डर्ट वगैरह होती है उसमें जो भी बैक्टीरिया स्टार्ट होता है होना उसको रिमूव करता है, साथ में ही स्कार्स पे भी वर्क करता है। तो जो दोनों जो इंग्रेडिएंट है वो स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग सा वर्क करते हैं। बट अगर आप इनको खाते भी हो, लाइक विटामिन सी के फ्रूट्स आप खाते हो या फिर आप टर्मरिक का दूध वगैरह पीते हो, तो भी आपकी स्किन में अलग सा ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। यू कैन इमेजिन कि जब एक सीरम में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स होकर आएंगे तो वो कितना इफेक्टिवली आपकी स्किन पे वर्क करेंगे। सो यस, मैं लास्ट 1 से 1.5 महीना इसको यूज कर रही हूँ। इस बार मैंने 1 बॉटल चैलेंज वाला जो फॉर्मेट था वो अप्लाई नहीं किया है, मैंने कोई भी कैप्चर नहीं किया था स्क्रीन के साथ, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी 2 वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें आप लोगों को डायरेक्टली बता देती हूँ कि ये रियली वर्क करता है या नहीं करता। सो गाइस, बात करते हैं पिगमेंटेशन की। तो जिनको बहुत ही हाइपर पिगमेंटेशन है, हिंदी में बोलते हैं छाइयां, तो जिनके जो छाइयां वाली प्रॉब्लम होती है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है, तो उन पे रिजल्ट आने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक आपको इसकी 2 से 3 बॉटल फिनिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ये जाके आपकी स्किन पे एक रिजल्ट देता है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल है। तो वी ऑल नो की जो नेचुरल चीजें होती है उनको वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यस, अगर आपके एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स के बाद जो रेडनेस वगैरह आ रही है उसको वो बहुत ही फास्टली रिमूव करता है। लाइक अगर आपको 8 to 10 days भी आप इसको दिन में 2 बार लगाओगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर से नजर आएगा, स्किन में एक अलग सा ही ग्लो नजर आता है इसको यूज करने के बाद। एज यू कैन सी बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। मोर ओवर आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा फाइन लुक देता है, लाइक
ऐसा नहीं लगता कि बहुत चिपचिपापन है या हम इसके ऊपर मेकअप नहीं कर सकते हैं। इजीली आप इसको लगा के बाहर भी जा सकते हो, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो। तो बहुत ही लाइट फॉर्मूला है हम कह सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको बहुत कम क्वांटिटी इसकी लेनी पड़ती है और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्जॉर्व हो जाता है। तो वाइटामिन सी जो है वो इसमें मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट इन्होंने डाला हुआ है, बट आई मस्ट से कि ये स्किन के लिए जो एक इफेक्टिवली वर्क करना उतना इसमें वाइटामिन सी है। तो जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला था मेरी स्किन पे, वो मुझे एक महीना मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे फील हुआ था आफ्टर 15 डेज बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्किन पे वर्क कर रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि एक ग्लोइंग इफेक्ट होता है। एज जो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ नहीं थी, बट यस मेरे एक्ने के स्कार्स थे, मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी अनइवन स्किन टोन थी चिन एरिया पे, तो वो मुझे थोड़ी सी लाइटन अप लगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एक बॉटल मुझे और मंगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही मुझे इसका रिजल्ट अच्छे से नजर आएगा स्किन पे। एज मैं इसको दिन में कभी 2 बार लगा लेती थी, कभी 1 बार लगाती थी, बट गाइज इसको आप दिन में 2 बार लगाओ। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार लगाने से ही आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि उसे रिजल्ट था वो मुझे 15 to 20 डेज बाद फील हुआ था कि होने लगी है स्किन, थोड़ी सी ब्राइटन अप लुक आने लगा है। बट आप अगर इसको दिन में 2 बार लगाओगे तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको 10 to 15 डेज में आपकी स्किन पे एक इफेक्ट नजर आने लग जाएगा। सो गाइज ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, ये जो फेस सीरम है ये रियली वर्क करता है हाइपर पिगमेंटेशन पे, जो आपके स्कार्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उस पर वर्क करेगा। बट यस अगर आप रिंकल, फाइन लाइन्स या एंटी एजिंग रिलेटेड कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो तो यू डोंट गो फॉर दिस, ये उसके लिए वर्क नहीं करेगा। बट यस एक जो सप्पलनेस होती है हमारी स्किन पे, एक स्मूथनेस जो होती है वो ये प्रोवाइड करता है। मैंने अपनी एक दो फ्रेंड को भी रिकमेंड किया था तो उन पे इतना अच्छा उनको रिजल्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि स्किन टू स्किन वरी करता है। साथ ही साथ में अगर आपको बहुत ही बहुत सालों से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको दूर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एज मामाअर्थ का जो स्किन प्लम फेस सीरम था उसको लेके मुझे कोई रिजल्ट नहीं नजर आया था, एज सच मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया था उसको भी। ये जो फेस सीरम है गाइस इसका रिजल्ट मुझे मिला था एंड आई एम श्योर बोल सकती हूँ कि आप भी इसको शिद्दत से यूज करोगे, लाइक दिन में 2 बार यूज करोगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर से मिलेगा आपके पिगमेंटेशन पे, हाइपर पिगमेंटेशन पे और आपके एक्ने स्कार्स पे। तो सो यस गाइस ये था ओवरऑल रिव्यू अबाउट मामाअर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम। आई होप आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं फॉर श्योर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और रिव्यूज़ या कोई भी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं मन में आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, उसका भी मैं ट्राई करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यस गाइस वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक माई वीडियो, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।